हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले इनहेरिटेंस का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था लास्टली, आज उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है, एडिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इन इनहेरिटेड क्लास इन पाइथन। सो आज हम करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है हमारी इनहेरिटेड क्लास में, मीन्स उन क्लासेस में जिसमें हमने इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया है एंड कुछ एट्रीब्यूट्स को हमने एसेस भी किया है, और उसके बाद हम कुछ उसमें एट्रीब्यूट्स चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहते हैं कि उसमें हमारे पास एडिट हो जाए आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे एक बार उससे पहले ज़रूरी है कि हम क्विकली रिवाइज कर लें जो भी किया था हमने पाइथन के बारे में, हमने इनहेरिटेंस के बारे में किया था। सो इनहेरिटेंस के बारे में हमने बेसिकली चीज़ क्या की थी कि इनहेरिटेंस होता क्या है, हमने उसका रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। देन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इतने का जितना आपने किया है इनहेरिटेंस के बारे में पहले, आपने उतने का एक प्रैक्टिकल वीडियो देख लिया है। सो वो आपको एक डबल आइडिया मिल गया होगा उससे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस करना है, क्या क्या लाइन ऑफ कोर्स लिखनी है, किसका क्या आउटपुट आएगा। सो अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे क्लास हमने यहाँ पे किस तरीके से इनहेरिटेंस किया है, किस तरीके से हमारी बेस क्लास बनी है एंड हाउ वी हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस के लिए कौन सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। सो अगर आपने नहीं भी देखा हो इनहेरिटेंस का थियोरेटिकल वीडियो, सो एक बार जाकर देख लेना, बिकॉज जाहिर सी बात है कि यहाँ मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रही हूँ। सो रिवीजन के बेस पर्पज़ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है, थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन आपको वो विजिट करना होगा एंड देन वी हैव टू वॉच दैट वीडियो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्सप्लेनेशन जहाँ पर मैंने क्या किया है, स्क्रीन्स पे विजिबल है आपको कि इस क्लास बनाई है मैंने स्कूल नेम की, जिसमें मेरे पास एक स्पेशल इनबिल्ट फंक्शन है इनिट नेम का, ओके, जिसमें कि दो एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड एज एंड सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, ओके। देन हमने उसी ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन में यूज़ किया है सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। उसके बाद मैंने यहाँ बनाया है एक मेथड पी नेम से, जिसमें कि मैंने ये किया है प्रिंट करवाया है कि सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, इट मीन्स कि दोनों एक लाइन में ही नेम और एज दोनों प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, देन वही चीज़ मैंने फंक्शन के बाहर आके उसको प्रिंट करवाया है, बाहर आके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन उसे प्रिंट कराया है। सो इतना काम हमने किया था लास्टली प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली टू। आते हैं नेक्स्ट पे, अब चाइल्ड क्लास क्रिएट करने का, मीन्स इनहेरिटेड और डिराइव्ड क्लास बनाने का। अब इसका एक वे क्या है, तरीका क्या है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन आपको विजिबल है ये है हमारे बेसिक इनहेरिटेंस की लाइन कि हमारा इनहेरिटेंस यहीं पे हो रहा है, हमारा इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस यहीं हुआ है। कैसे, हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक नया क्लास बनाया जिसमें कि हमने स्कूल वाली क्लास को इनहेरिट किया, ओके, इनहेरिट कर दिया यहाँ पे, ये इनहेरिटेंस हो गया। सो ये हमारा इनहेरिटेंस हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे इस लाइन में ओवरराइडिंग हो रही थी, हमने उसको रिमूव किया। आपको बता दूँ मैं ओवरराइडिंग वैसे एक्चुअली होती क्या है। ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि कोई चीज़ हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है बट हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, बट गलती से हमने उसे रीडिफाइन कर दिया है। ठीक है, हमने उसे रीडिफाइन कर दिया है, सो वो पुराने वाले को ओवरराइड कर देगा, मतलब उसके ऊपर पहुँच जाएगा। सो जो पुराना वाला है वो हमारा इग्नोर हो जाएगा, जो नया वाला क्रिएट किया हमने उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। होता है ना ऐसे कि कोई अगर कोई नया ऑफिस, मान लो कि कोई अगर नया स्टूडेंट कोई क्लास में आता है तो ये टीचर का ये मतलब होता है कि उस पर फोकस करें बिकॉज वो न्यू है ना। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है कि हमारा जो पुराना होता है उससे ध्यान हट जाता है, हमारे नए वाले पे फोकस ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा नया वाला पुराना वाला और नए वाले से हमारा ओवरहेड हो जाता है। तो यहाँ पर उसी को हमने कर दिया है सही, किस तरीके से, स्कूल डॉट इनिट मैंने कर दिया, मतलब ये है कि मैं स्कूल वाली क्लास से इनिट वाली फंक्शन को एसेस करना चाहती हूँ अपने इस क्लास में। ठीक है, बस आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन डिटेल वीडियो वहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। सो आपको आई होप मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, इसके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो आएगी बिकॉज ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी, तो इनके इनसे रिलेटेड कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी। सो आप ट्यून रहना देखने के लिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। सो आते हैं नेक्स्ट पे, ये है हमारा ऐड प्रॉपर्टीज़।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। आपको इतने लाइन ऑफ कोड सिमिलर दिख रहे होंगे जो हमने किया है पहले। सुपर फंक्शन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सुपर फंक्शन किस तरीके से होता है, क्या वर्क होता है इसका, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है आप पहले वाली वीडियो देख लो एक बार थर्टिकली, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। आफ्टर थर्टिकली गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट, ओके। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला कि सेल्फ मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, ओके। सेल्फ यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो सेल्फ डॉट कम्प्लीशन ईयर लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, कम्प्लीशन ईयर मेरा एक नया प्रॉपर्टी है, मैं चाहती हूँ कि मैं बस कम्प्लीशन ईयर भी आ जाए कि कौन सा बच्चा किस टाइम पे मीन्स किस ईयर में स्कूल को कम्प्लीट कर रहा है, उसकी स्कूलिंग लाइफ कौन कम्प्लीट हो रही है, लाइक। तो मैंने यहाँ बना दिया सेल्फ डॉट कम्प्लीशन ईयर, यहाँ पे हम ईयर मेंशन करेंगे। एंड देखो इतना लाइन ऑफ कोड्स तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने किया था पहले भी। आउटपुट हम ले रहे हैं, हम अपना एक्स वैल्यू लेके हम चीज़ों को प्रिंट करा रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया। पर डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमने एक नया प्रॉपर्टी बनाई, किस तरीके से, सेल्फ डॉट कम्प्लीशन ईयर। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेल्फ यूज़ करो, आप यहाँ पे आई मी वी कुछ भी कर सकते हो, एंड देन डॉट लगा दो, देन कम्प्लीशन ईयर क्रिएट कर दो, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। बट द वे इज दिस, आप सेल्फ के प्लेस में कुछ भी लगाओ, टेबल के ना क्लास के नेम पे कुछ भी लगाओ, बट द थिंग इज दैट कि फॉर्मेट और वे तरीका यही है काम करने का। सो ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आते हैं मेथड्स को ऐड करना, ठीक है। आई होप प्रॉपर्टी ऐड करना क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं फिर क्लियर कर दूँगी। फिर आते हैं एडिंग मेथड्स पे, इसमें क्या है, हमारे पास वही सेम चीज़ है, क्लास स्टूडेंट एंड स्कूल सेम चीज़ है। याद रखना हमेशा कि डेफ इनिट एक फंक्शन है, स्पेशल इनबिल्ट फंक्शन है, वो कोई फंक्शन नॉर्मल फंक्शन नहीं है जिसे हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ विद इन द क्लास डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो वेल नाम का जो आपको def दिख रहा है, ये हमारा मेथड है, कोई फंक्शन नहीं है। बी प्रिपेयर दैट कि मेथड है, बिकॉज ये हमारा क्लास डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ है, तो ये मेथड है। एंड ये हमारा मेथड इसलिए है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। देखो मैंने जब def well self लिखा है, ठीक है, मीन्स सेल्फ मीन्स कुछ इसमें हमें प्रिंट कराना है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है सेल्फ, हम उसी को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कर रहे हैं ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट वेलकम, देन लिखा है मैंने सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, ठीक है। मैंने जो लिखा है प्रिंट वेलकम, वेलकम मेरा कोट्स में है, ध्यान से देखो तो वेलकम मेरे डबल कोट्स में, मीन्स वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। पर जो मैंने लिखा है सेल्फ डॉट नेम, वो ऐसे नहीं आएगा। हम जब लिखेंगे x इज इक्वल्स टू नेम और एज स्पेसिफाई करेंगे, तो नेम और एज की वैल्यू आएगी हेल्प वेलकम नेम और एज, लाइक वेलकम ऋषि 28, कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तरीका था मेथड को ऐड करने का। अभी हमने कोई मेथड ऐड नहीं किया था, हमने इस तरीके से एक नया मेथड ऐड कर दिया अपने उस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम कोड में, ठीक है। सो आई होप आपको ये एडिंग मेथड्स एंड एडिंग प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुआ हो। अगर बाई चांस क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, आई विल हियर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर वेयर कैन आई डू, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe the channel, okay, and for further inquiries you can mail me also, and you can connect with me in any social media, the link is in description. And one more thing, at the last I want to discuss ki I hope aapne wo test, wo self test quiz complete kiya hoga. Maine kuch responses dekhe the jisme ki kafi had tak questions ke answers theek the, but not all, lekin to isko improve karne ke liye aapko zaruri hai thodi practice, थोड़ा इंटरेस्ट लाना होगा लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी जिन्होंने अभी तक टेस्ट अपेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ताकि आपका अपना टेस्ट हो जाए कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो। जितना भी आपने पाइथन लर्न किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने यहीं से किया हो तो ही करो, नो, इट दिस टेस्ट इज़ ओपन फॉर एवरी वन। आप कहीं भी किसी भी लैंग्वेज से कहीं से भी कर रहे हो, आपको टेस्ट की लिंक मिल गई है, आप कर सकते हो अटेम्प्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप जिन्होंने किया होगा उन्हें पता है कि कितने इजी क्वेश्चंस थे। एंड इतने इजी क्वेश्चंस मीन्स बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्विज था ये, बहुत ही बहुत बेसिक था।
एंड अगर आपको क्विज अच्छा लगा हो, आपको ये हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं ऐसे और क्विजेस लेके आऊँगी ताकि आपके अपनी प्रिपरेशन होती रहे एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी, एंड आपका अपना नॉलेज चेक होता रहे कि आप जितना कर रहे हो वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है. ओके एंड डोंट वरी, अगर आप लोग को अभी स्कोर्स नहीं मिले तो आई विल रिवर्ट यू बैक टू ऑन योर ईमेल आईडीज, ताकि आपको आपके रिस्पॉन्सेस मिल जाएं, एंड जिनको मिल गए होंगे तो सही है उनके लिए, क्योंकि उन्हें उनका रिजल्ट मिल गया जो उन्होंने किया था. सो कीप लर्निंग पाइथन विद गोबिट्रेन एंड टेक केयर. We'll be right back.